किसी इंसान से काफी समय से हम रिलेशनशिप में थे, किसी इंसान के साथ काफी समय से हम एक बॉन्डिंग थे, हमारे उस इंसान के साथ काफी समय से रिलेशनशिप था या फिर है, बट अब एक ऐसे सिचुएशन आ चुकी है, सामने वाला इंसान धीरे धीरे हमसे कम बात करने लगा है, या फिर ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि सामने वाला बात ही नहीं करना चाहता, हमारे एक मैसेज, हमारे एक कॉल भी उसके लिए इरिटेशन हो चुका है, हम उसकी केयर भी करते तो भी उसको इरिटेशन लगता है, हम नॉर्मली कुछ नॉर्मली बेसिक बातें भी करते तो भी उसको इरिटेशन लगता है, वो चाहता है कि हम उससे बात ही ना करें। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, चाहे ऐसे सिचुएशन में सामने वाला जो इंसान है उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, या फिर ऐसा क्या करें कि उसको पता चले कि भाई हाँ हम भी कोई है, हमारी भी कोई वैल्यू है, या फिर हमारी भी कोई फीलिंग है, हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है, ये चीज़ कैसे हम सामने वाले को रियलाइज़ करवा सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉल पे वन एंड वन बात करनी, प्राइवेटली बात करना चाहते, मैं आपकी प्रॉब्लम बिना किसी के पूछे आपकी प्रॉब्लम मैं शेयर नहीं करता, प्राइवेटली बात होती है, उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल मत करो, मैसेज करो कि सर कॉल बुक करना है, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल्स भेजूंगा, डिटेल्स पढ़ने होंगे, डिटेल्स में मैंने चार्ज लिखा है, कितना चार्ज लगेगा कॉल पर बात करने का, और चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, चार्ज को पढ़ के व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप कॉल बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं कि किसी इंसान से हम रिलेशनशिप में थे या फिर है, अब वो इंसान हमसे बात नहीं करना चाहता। मुझे अक्सर लोगों के यही कमेंट होते हैं, या फिर यही मेरे जैसे कॉल पे बात करता हूं, मैक्सिमम मेरे पास अगर दिन भर में एग्जांपल मान लो जो भी कॉल ऐसे, उसमें मेरे को 90 मतलब 70 to 75 के आसपास ऐसे कॉल आ गए जिसमें यही चीज होती है कि वो बात नहीं करना चाहता। मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि अगर सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में थे या है, वो इंसान अगर आपको बोल रहा है कि भाई मैं ये चीज कर रहा हूं, या फिर मुझे ये चीज करनी, या फिर मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, तो हमें उस इंसान की बात तो सुन के सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देके हमें सच्ची में उसको कॉल मैसेज नहीं करना है। इसका रीजन बताता क्यों, क्योंकि अगर आप कॉल मैसेज करेंगे वो इंसान ज्यादा इरिटेट होता है आपके कॉल मैसेज से, ज्यादा उसको परेशानी होती है आपके कॉल मैसेज से। एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर इंसान को जितना ज्यादा इरिटेट करोगे, जितना ज्यादा उसके पीछे भागोगे, उतना इंसान आपको भगाना चाहता है, या फिर उसके अंदर जो घमंड है या फिर जो एटीट्यूड है वो बढ़ता जाता है। उसके लोग मुझे बोलते कि सर सामला जो इंसान उसका एटीट्यूड बहुत है, उसके अंदर तो बहुत घमंड है। उसके अंदर घमंड है नहीं, हमने उसको घमंड देके रखा है, हमने उसका एटीट्यूड को बिल्ड करके रखा है। क्यों? क्योंकि उसको ये शो करके कि तेरे बिना हम जी ही नहीं सकते, तेरे बिना तू ही मेरी सुबह शाम है, सब कुछ है। अरे यार दुनिया बहुत बड़ी है, अगर जो इंसान नहीं चाहता बात करे उसको खुला छोड़ दो, कि आपके फोर्स करने से वो इंसान आपसे बात करने लग जाएगा। आपके देखो बहुत सारे लोग ये गलती करते, बता देना क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगी, मैंने क्या कर दिया, मेरे से क्या हो गया, ये चीज है। चलो मान मैं ये चीज कहता हूं कि एक बार पूछ लो, ठीक है भाई कोई दिक्कत होगी, कोई मेरे से गलती होगी, आपसे कोई ऐसी गलती हो जिससे सामने वाले को हर्ट हुआ हो, ये भी एक बार क्लियर कर लो। अगर वो बोल रहा है नहीं मेरे को तेरे से बात नहीं करनी, तो फिर देन आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आई हैव माई सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है इस मोर देन अबाउट माई रिलेशनशिप, रिलेशनशिप से बढ़कर है। तो मुझे सेल्फ इससे कोई प्रायोरिटी देकर उस इंसान को खुला छोड़ देना, ठीक है भाई नहीं करनी बात, ओके देन मैं आपको मैसेज कॉल नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी। उसके बाद हमें क्या करना, साइलेंट हो जाना, हमें चुप होना है ना, हमें क्या करना, हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नहीं उंगली करनी हमारी आदत है, हम उंगली करेंगे उस इंसान को, एक मैसेज या फिर गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज देना, सैड स्टेटस भेज देना, सैड स्टेटस लगाना, उंगली करेंगे, हमारे अंदर तो चूल मची होती है ना उस इंसान से बात करने की। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताता हूं कि अपनी जो चूल है उसको दबा के रखो, अपनी जो फीलिंग्स है उसको दबा के रखो, अपने इमोशंस को दबा के रखो, क्योंकि ये इमोशंस ये फीलिंग ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन करवाने के लिए उस इंसान के पास आपको लेके जाती है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर आपको प्रायोरिटी रहेगी, देखो एक चीज है, अगर वैल्यू रहेगी तभी रिलेशनशिप रहेगा, अगर उस इंसान के नजर में आपकी वैल्यू ही नहीं तो फिर रिलेशनशिप समझ लो खत्म ही होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि उस इंसान के नजर में जितना गिरोगे उतना वो इंसान आपसे इरिटेट होगा और आपसे दूर भागेगा, इसीलिए उसकी नजर में गिरना छोड़ दो। जैसे एक आपने कोट पढ़ा होगा और बहुत जगह ये चीज मैंने पढ़ी, आपने पढ़ी होगी, तो भी मैं एक बार आपको याद करा दूं कि खुद को खुद की नजर में गिराना छोड़ दो, जो ना समझे उसको समझाना छोड़ दो। ये चीज काफी रियल है, आपको अप्लाई करनी चाहिए खुद के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर वो इंसान नहीं चाहता, बिना गलती के अगर वो इंसान नहीं चाहता आपसे बात ही नहीं करना चाहता, तो बार बार उसे रीच करने की, बार बार उसको उंगली करो, ऐसा कर लेना, क्या हो गया, क्यों हो गया, सिंपल चीज किसी इंसान को बोल दे भाई मेरे को टच मत कर, ठीक है, और इंसान बार बार आपको उंगली कर रहा है तो आप उठा के एक थप्पड़ मार दोगे ना उसको, ठीक है, या फिर इटे या फिर गुस्सा कर दोगे उसके ऊपर। वही चीज हो रही, सामने वाला बोल रहा है कि भाई मेरे से, मेरे को बात मत, मेरे से बात मत कर,
मेरे को कॉल मैसेज मत कर। तो उसकी गलती का रिग्रेट उसको फील कब होगा, जब सच्ची में उसकी बात सुनकर हम उसको कॉल मैसेज करना बंद कर देंगे, सच्ची में उसको कॉल मैसेज नहीं करेंगे। तो उसको ये चीज लगेगी कि अरे यार मैंने बोल दिया तो मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, इसको सच्ची में कॉल मैसेज नहीं करा, इसको बुरा तो नहीं लग गया। ये कब फील करेगा वो, जब हम सच्ची में उसको कॉल मैसेज नहीं करेंगे उसके बोलने के बाद। लेकिन हम तो गधे बन चुके, हमसे होता ही नहीं। बहुत सारे लोग यही गलती होती है, 99% लोगों की ये गलती है कि उसके मना करने के बाद चलो सर ने बोला दो दिन रह लो, दो दिन हो गया सर, दो दिन हो गया उसने कोई कॉल नहीं, दो तीन दिन, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक उस इंसान को रिग्रेट फील नहीं होता, जब तक इंसान को ये फील नहीं होता कि हाँ मेरे मना करने के बाद इसने मैसेज कॉल नहीं किया, मतलब इसको सेल्फ की प्रायोरिटी है, ये इंसान की कोई इज्जत है, अगर मैंने इसको मना कर दिया उसके बाद इसने मेरे को कॉल मैसेज नहीं किया, इसका मतलब किसी और के पास भी जा सकता है, ये डर जब तक उसके अंदर नहीं आएगा ना, जिसको हम बोलते फियर ऑफ लॉस्ट, ये फियर ऑफ लॉस्ट जब तक उसके अंदर नहीं आएगा तब तक वो इंसान आपको खोने से बिल्कुल नहीं डरेगा, तब तक वो इंसान आपके पास आना जरूरी नहीं समझेगा। अगर आप चाहते हो इंसान आपके पास खुद बात करने के लिए आए, उसने मना किया और वो खुद आपके पास आए सॉरी बोले, तो उसके लिए आपको एक ही चीज करनी है कि जैसे उसने बोला कि मुझे बात नहीं करनी, तो आपको बोल देना ओके जय श्री राम, जा सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप मुझे खाली ये बता दीजिए कोई प्रॉब्लम है आपको, वो बता रहा नहीं मेरे को तेरे से बातें नहीं करनी, तो ऐसी करती तो वो करती है, कोई इंसान को छोड़ना हो तो रीजन देगा। छोड़ने वाले के पास हजार रीजन होते हैं और साथ रहने वाले के पास रीजन होते हुए भी आपके साथ रहेगा, जिसको आपके साथ रहना, जिसको छोड़ना है उसके पास हजार रीजन है आपको छोड़ने के, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, ऐसे लोगों को जो बिना गलती के जानबूझ के आपको हर्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोग क्यों करते पता है, लोग जिनको लगता है ना कि यार ये मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है, या फिर ये मेरे ऊपर डिपेंड हो चुकी है, इसके मेरे बिना इसका कुछ हो ही नहीं सकता, वो इंसान के माइंड सेट होते हैं मेरे बिना इसका कुछ हो ही नहीं सकता, तब वो इंसान ऐसी हरकतें स्टार्ट करता, तब वो इंसान ऐसा करता है ताकि आप उस इंसान के बिना ना रो, या फिर आप उसको ऐसा शो करो कि हाँ मैं रोता हूँ, मैं रोती हूँ। बहुत सारे लोग ये करते हैं सर मेरे से ना फीलिंग नहीं कंट्रोल होती, मैं उसके सामने रो देता हूँ, जितना रोगे उतना उसकी नज़रों में गिरोगे, हमें लगता है हमारे रोने से इंसान समझ जाएगा, हमारे रोने से हम पे दया खा लेगा, दया कर लेगा, वो दया करेगा इसका मतलब ये कि वो आपको भीख दे रहा है, और भीख जो होती है ना हमेशा भिखारी को दी जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट की जो इंसान को प्रायोरिटी होती है ना, भले हो ना कुछ भी हो जाए, फटे हुए कपड़े पहनेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा, वैसे आपकी हालत हो चुकी है। आप फटे हुए कपड़े ना, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, सब कुछ अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन हम भीख मांग रहे हैं उस इंसान के सामने प्यार की, मेरे को प्यार की भीख दे दे, मेरे को इज्जत की भीख दे दे। खुद को ऐसा बनाओ ना यार, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। साला जो इंसान आपके पीछे पागल था एक समय, जो इंसान आपके पीछे दौड़ रहा था एक समय, और आज उस इंसान के पीछे आपको भागना पड़ रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारी लड़कियां ये भी बोलती है कि सर ये बंदा मेरे पीछे पागल था, मेरे पीछे 6 महीने भागा, तब जाकर मैंने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया, और आज इंसान ऐसा कर रहा है। इसकी गलती, इसका रीजन सिर्फ आप हो। क्यों? क्योंकि आपने उस इंसान को इतनी प्रायोरिटी दी जितना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब रिलेशनशिप में आने का टाइम था उसको ये लगता था यार ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, इससे प्यार करना या फिर इससे प्यार लेना, ये सोच उसकी होती है। लेकिन जैसे रिलेशनशिप में आ जाते तो आप इतना ज्यादा उसको मतलब प्यार शो करने लग जाते हो, इतना ज्यादा उसके ऊपर फीलिंग शो करने लग जाते हो कि वो इंसान इस चीज को ज्यादा गारंटी लेने लग जाता है कि यार मतलब जो मैं वो इंसान की सोच थी ना आपके लिए, मतलब कि हर एक इंसान को एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता जो थोड़ा सा उसको इग्नोर करे, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाए। हमेशा लोग उसी इंसान के पीछे भागते जो एटीट्यूड वाला होता है। लोगों को क्या लगता है, अरे मैं तो एटीट्यूड दिखा दूंगा, दो दिन बात नहीं करूंगा, मेरी बंदी चली जाएगी। अगर दो दिन आपके बात ना करने से आपकी बंदी किसी और के पास जा रही, इसका मतलब ये है कि वो बंदी कितनी कैरेक्टर लेस है, ठीक है, इसको कैरेक्टर लेस बोलते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को लाती मार देना, सिंपल चीज चीज़। लेकिन जो इंसान आपको बोल रहा है मेरे को बात नहीं करनी, तो उसको स्पेस दे दो, ठीक है भाई नहीं करूंगा कॉल मैसेज। फिर वो सामने से जब कॉल मैसेज करता है तब आपको उसके रिप्लाई नहीं देने, ज्यादातर हाय तो हाय, बाय तो बाय, बस ये चीज। या तुझे हो क्या गया था, तू ऐसा क्यों कर रहा था, तू ऐसा क्यों कर रही थी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक चीज है कि वो बोल रहा है कि यार तूने मेरे को तेरे से बात करनी, या फिर जो मैसेज कर रहा है तब नॉर्मली जैसे वो पूछ रहा है उतना ही जवाब दो, ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं। ये चीज से क्या होगा, आपकी सेल्फ से को प्रायोरिटी मिल जाएगी, आपकी सेल्फ से बढ़ जाएगी, उसकी नजर में वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो दिमाग में खेल रचा था ना, अपना जो गेम रचा था ना, पावर गेम, कि मैं ऐसा बोलूंगा इसको बात नहीं करनी, फिर रोएगा मेरे पीछे, रोएगी मेरे पीछे, उसकी सोच होती। लेकिन उसका जो गेम है उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा। जैसे उसने बोला बात नहीं करनी, हम सच में उसको कॉल मैसेज करना बंद कर देंगे और हैप्पी स्टेटस डालेंगे, अपनी लाइफ में खुश रहेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है ऐसा शो करेंगे। सच्ची मिला लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि किसी इंसान के जाने से हमारी लाइफ रुक नहीं जाती। और अगर किसी इंसान के जाने से आपकी लाइफ आप रोक रहे हो, भगवान नहीं बोलता कि तुम तुम्हारी लाइफ रोको किसी के लिए, तुम रोक रहे हो अपनी लाइफ, अरे वो मेरी लाइफ से चला गया, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई। कोई किसी की जिंदगी झंड नहीं होती, हर एक इंसान अपने लाइफ का पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे कहा जाता है वो पार्ट ऑफ लाइफ था अपने लाइफ का, जब तक उसको अपने अपने साथ रहना या फिर जब तक उसका मतलब है तब तक वो रहेगा, जब उसका समय हो जाएगा वो समय होने के बाद वो निकल लेगा। सिंपल चीज है, हर एक इंसान को इस दुनिया में जाना, मुझे भी किसी को छोड़ के जाना, आपको भी किसी को छोड़ के जाना। तो लोग जो है पार्ट ऑफ लाइफ, वो पार्ट ऑफ लाइफ, उनको भूलना जरूरी है। अगर उनको नहीं भूल पाएंगे या फिर उनके अंदर ही अटके रहोगे तो लाइफ में फ्यूचर भी नहीं मिलेगा, वो इंसान भी नहीं मिलेगा,
बीच में अटक जाओगे। इसीलिए बता रहा हूँ कि लोगों को उतनी वैल्यू मत दो कि आपकी वैल्यू खो दो, ठीक है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को। मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करनी, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही, मेरा नंबर दिख रहा है, जाकर मुझे मैसेज करके कॉल बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। कॉलिंग का चार्ज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा, चार्ज को जरूर पढ़ लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।